हाय एवरीवन, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ वो बात करने वाले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान मिशन द्वारा आप जान सकते हैं कि शौचालय के लिए जिसमें आप लोग को 12,000 रुपये आप लोग को मिलता है। शौचालय बनाते हैं आप लोग तो आप लोग को 12,000 आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा आप लोग को मिलता है। उसका आप लोग की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। जी, ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। आप लोग की ऑनलाइन कैसे करना है जिसमें आप लोग को 12,000 रुपये मिलेगी, इसका आप लोग जान सकते हैं कि इसका आप लोग को लाभ लेने के लिए आप लोग को दो प्रोसेस है, एक ऑफलाइन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन प्रोसेस है। जी, एक ऑफलाइन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन प्रोसेस है। आज के वीडियो में आप लोग को ऑनलाइन करके आप लोग बताएंगे कि आप लोग को इसका ऑनलाइन कैसे कैसे आप लोग को करना है, इसमें आप लोग क्या क्या चीज लगेगा, बेनिफिट आप लोग किन किन लोगों को मिलेगा। क्षेत्र पर खुला है, शहरी क्षेत्र पर अभी नहीं खुला है। काफ़ी दिनों से जान सकते हैं कि शौचालय वाले ऑनलाइन बंद कर दिया गया था ब्लॉक के द्वारा, और आप लोग जान सकते हैं कि अब ब्लॉक के द्वारा खोल दिया गया है। आप लोग के ऑनलाइन करने के लिए आप APL वाले हों या BPL वाले हों, आप लोग को जान सकते हैं। आप लोग को घर में स्वच्छ से जान सकते हैं, अगर आप लोग के घर में अगर आप लोग शौचालय हैं तो आप लोग को 12,000 रुपये आप लोग को नहीं मिला है, तो इसका आप लोग कैसे ऑनलाइन करना आप लोग को A to Z प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन आप लोगों को जा सके। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमारे इस वीडियो को नीचे जरूर से कमेंट करें। चलिए आप लोग को चलते हैं पीसीएस के, आप लोग को बताया था कि इसका आप लोग को ऑनलाइन कैसे करना है। लीजिए कि हम स्वच्छ भारत अभियान देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सबसे बड़ी बात जान चाहिए, हम इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। ये वेबसाइट का लिंक आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। यही इनका वेबसाइट का लिंक है। जी, ये वेबसाइट का लिंक है। सबसे पहले इनका आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इनका आप लोग को लॉगिन करके आप लोग को अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे साइबर कैब वाले बोलेंगे कि सर हम एक रजिस्ट्रेशन से कितना आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह जैसे आप लोग को जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब आप लोग को ऑनलाइन करने के लिए आप लोग को मिलेगा तब आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके आप लोग को देना है। ये नहीं कि आप लोग एक लॉगिन से आप लोग ये नहीं कि आप बहुत सारे आप कर सकते हैं, अन्यथा उनका रद्द कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग को हम सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन का आप लोग को हम बता देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का आप लोग को देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण PH2 देख सकते हैं। PH2 के लिए देख सकते हैं सिटीजन रजिस्ट्रेशन। जी, हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन, इसमें आप लोग को मोबाइल नंबर आप लोग को लॉगिन आईडी हो जाएगा। जी, मोबाइल नंबर आप लोग को लॉगिन आईडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को उनका नाम डालना पड़ेगा, वो जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। उसके बाद उनका एड्रेस डालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को उनका स्टेट डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कैप्चा फिलअप करके आप लोग को सबमिट पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम ये सब फिलअप करके आप लोग को हम आगे आप लोग को बता देते हैं। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडली यूज रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एज पर लॉगिन आईडी लास्ट 4 डिजिट एज पासवर्ड आप लोग को जान सकते हैं। आप लोग को सबसे पहले जान जाइए आप लोग को लॉगिन आईडी आप लोग को मोबाइल नंबर हो जाएगा। आप लोग को जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उनका 4 डिजिट लास्ट वाला आप लोग को उसका पासवर्ड हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको लॉगिन आप लोग को हम बता देते हैं। उसके बाद आप लोग को ओके पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आने के बाद आप लोग को लॉगिन करके आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। पासवर्ड जो आप लोग को जो मोबाइल का आप लोग को 4 डिजिट होगा वो आप लोग को फिलअप करके आप लोग कैप्चा फिलअप करके आप लोग को साइन इन पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम ए फिलअप करके आप लोग को हम आगे आप लोग को बता देते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाइएगा तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को पासवर्ड आप लोग को जान सकते हैं आप लोग को पासवर्ड नया बनाना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप लोग को देख सकते हैं आप लोग को ओल्ड पासवर्ड जो आप लोग को मोबाइल नंबर जो 4 डिजिट आप लोग को लास्ट था वो आप लोग को फिलअप करने के बाद आप लोग को न्यू पासवर्ड आप लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए न्यू पासवर्ड फिलअप करने के बाद आप लोग को चेंज पासवर्ड पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग कम से कम आप लोग को 8 डिजिट का आप लोग को कोड आप लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए हम आप लोग को ऐसे फिलअप करके आप लोग को हम आगे आप लोग बता देते हैं। जी, हम देख सकते हैं कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल। उसके बाद आप लोग को होम पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप होम पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं उनका मोबाइल नंबर आ गया है, उनका आप लोग को जान सकते हैं कि स्टेटस एक्टिव हो गया है। जी, एक्टिव होने के बाद आप लोग को देख सकते हैं पड़ेगा, जो आप लोग को देख सकते हैं बिलिंग कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग को देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं उसका फॉर्म आ गया है। अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को देख सकते हैं आप लोग को सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद उसके बाद आप लोग को ब्लॉक चूज करना है। जी, ब्लॉक हम सबसे पहले चलिए हम ब्लॉक चूज कर लेते हैं। ब्लॉक चूज करने के बाद आप लोग को पंचायत चूज करना है। चलिए हम आप लोग को पंचायत चूज का आप लोग को बता देते हैं। पंचायत चूज करने के बाद आप लोग को गांव भी आप लोग को चूज करना पड़ेगा।
चलिए हम गांव भी आप लोग को फिलअप कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग को नाम देख सकते हैं, उनका गांव का नाम आ जाएगा। गांव का नाम आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि सेशन बी, ठीक है, सेशन हम बी में आ गए हैं। आप लोग को देख सकते हैं कि टॉयलेट ऑनर, सबसे पहले आ जाइए कि टॉयलेट ऑनर सेशन बी में, उनका आप लोग को आधार पर से आप लोग को उनका नाम मिलाकर आप लोग को फिलअप कर लेना है, उनका आधार नंबर डालना है, उसके बाद आप लोग को आई एग्री करके आप लोग को वेरीफाई पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे भी आप वेरीफाई पर जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो उनका आप लोग को आधार से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फादर्स नेम या हस्बैंड नेम फिलअप करना है, उसके बाद आपको जेंडर डालना है कि मेल है फीमेल, वो आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग को कैटेगरी फिलअप करना है कि आप लोग को ये BPL है या APL है, ससुर ये BPL है या APL है, यानी कि आप लोग को जो चाहिए वो आवेदन कर सकें, जिनके पास BPL APL होगा वही लोग आवेदन करेंगे। उसके बाद आप लोग को सब कास्ट में आने के बाद आप लोग को चलिए हम ये सब लोग को फिलअप करके आपको बताते हैं। BPL में आप लोग को जैसे सेलेक्ट कर देते हैं, APL में जैसे हम सेलेक्ट किए उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि APL का इतना आता है। APL में आप लोग को ये सब फिलअप करने के बाद उनका आप लोग को देख सकते हैं कि APL का आप लोग को टाइप आधार में आप लोग APL का नंबर आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएगा जी। APL का आप लोग को देख सकते हैं कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है, उसके बाद आप लोग को एड्रेस फिलअप करना है जी। एड्रेस फिलअप करने के बाद आप लोग को ये सब फिलअप करने के सेशन सी बैंक अकाउंट डिटेल्स जी हाँ, सेशन सी बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आप लोग को IFSC कोड डालना है। जैसे ही IFSC कोड डालते हैं तो आप लोग को ऑटोमेटिक के नाव योर IFSC कोड जी हाँ, के नाव योर IFSC कोड करते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग को उनका बैंक का नाम, ब्रांच का आप लोग का नाम आ जाएगा, ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक है। ना कोई ये सब फिलअप नहीं करना है जी, ये सब फिलअप नहीं करना है आप लोग को, ये सब ऑटोमेटिक है। उसके बाद आप लोग को सिर्फ आप लोग को अकाउंट नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आप लोग को कन्फर्म अकाउंट नंबर आप लोग को फिलअप करना है। आप लोग को यहाँ पर आप लोग को JPG PDF या PNG या 200 KB से आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को लेस देन 200 KB चाहिए, आप लोग को अप्लीकेशन आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग को पासबुक यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपलोड करने के बाद आप लोग को फॉर्म आप लोग को सबमिट पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट करके आप लोग इसका आप लोग को रख लेना है। आप बोलेगा कि सर हम आवेदन कर लिए, उसके बाद आप लोग को स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग को फिर आप लोग को 3 डॉट पर आना है, उसके बाद आप लोग को व्यू एप्लीकेशन पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। तो हम अभी आवेदन नहीं किए इसलिए आप लोग को देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फंड बता रहा है। जैसे हम आवेदन करेंगे तो आप लोग को एक फॉन्ट आप लोग को जान सकते हैं कि इनका आप लोग को आवेदन संख्या आ जाएगा, आप लोग को ब्लॉक के द्वारा आप लोग को 0 टैग किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जल्दी आप लोग को पैसा आप लोग को 12,000 रुपये आप लोग के अकाउंट पर चल जाएगा जी। लोगों ने समझ गए, आप लोगों ने ऐसा ऐसा करके आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, 12,000 रुपया के आप लोग लाभ ले सकते हैं जी हाँ। यही प्रोसेस है, आप बोलिए कि भैया इसका लाभ कब मिलेगा, सबसे से इसका आप लोग को अप्लाई कर दिए हैं बाद जी, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ब्लॉक के द्वारा कुछ आदमी आएंगे आपके शौचालय चेक करने के लिए, उसके बाद आप लोग को वो जाएंगे चेक कर के आदमी बनाए हैं, उसके बाद आप लोग को 0 टैग होगा जी, 0 टैग होगा। 0 टैग होने के बाद ही आप लोग को 7 से 8 दिन में आप लोग को 12,000 रुपये आप लोग को पैसा आप लोग के अकाउंट पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रोसेस आप लोग समझ में आ गया। आप लोग के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग कुछ भी पूछना है तो हमारे इस वीडियो को जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जय जय भारत।